आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं अगर बताऊं तो विज्ञान के कुछ लुभावने तथ्य हैं जिसको जानकर आप डर जाएंगे। दोस्तों, नंबर एक, अगर कुतुब मीनार के शिखर से कोई सिक्का नीचे गिराया जाए और वह ज़मीन पर किसी व्यक्ति को लग जाए तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, अगर आप दौड़ रहे होते हैं तो अचानक से नहीं रुक सकते, आपको रुकने के लिए अपनी गति को धीरे धीरे कम करना पड़ता है। ऐसा गति के जड़त्व के नियम के कारण होता है। नंबर तीन, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में अधिक ऊर्जा होती है, तभी दोस्तों पहले रेलगाड़ियां भाप से चलाई जाती थी। नंबर चार, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वाष्प इंजन के आविष्कार के कारण ही संभव हुई थी। नंबर पाँच, बल्ब का आविष्कार करने में थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 से भी अधिक प्रयोग किए थे। नंबर छः, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें रेगिस्तान में बहुत दूरी पर पानी अथवा नदी होने का आभास होता है। नंबर सात, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। नंबर आठ, एक न्यूट्रॉन जिसकी त्रिज्या लगभग 10^-15 मीटर की कोटि की होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी से भी देखना संभव नहीं है, उसके टूटने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, फिर नाभिकीय ईंधन की काफ़ी मात्रा कम होने से ही इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि वह एक शहर को भी नष्ट कर सकती है, यानी कि E=mc². नंबर नौ, बस अथवा ट्रेन के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाना विराम के जड़त्व, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, और चलती हुई बस अथवा ट्रेन के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाना गति के जड़त्व, इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण होता है। नंबर 10, पतली चीजें किसी सतह पर ज्यादा दबाव डालती हैं, इसका कारण यह है कि सतह का क्षेत्रफल दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कारण है कि आप पतले चाकू से चीजें ज्यादा आसानी से काट सकते हैं। नंबर 11, रॉकेट में 0-100 डिग्री अथवा उससे भी कम तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्रव अवस्था में रखा जाता है। नंबर 12, चाहे वह भोजन बनने की प्रक्रिया हो या फिर हमारे शरीर में भोजन के पचने की प्रक्रिया हो या हमारे श्वास लेने अथवा जीवित रहने की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनसे हमारा अस्तित्व है। नंबर 13, ऊर्जा के बारे में इतनी अधिक जानकारी होने के बाद भी हम आज तक ऊर्जा को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए हैं, वास्तव में ऊर्जा को परिभाषित करना बहुत कठिन है। नंबर 14, जिस तरह से दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, उससे इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में हमारे सारे कार्य मशीन के द्वारा ही हो जाएं, हालांकि इसे संभव होने में अभी बहुत साल लगेंगे। नंबर 15, विज्ञान एक सतत रूप से विकसित होने वाला विषय है, इसका विकास एक दिन में नहीं हुआ है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे विज्ञान की मदद से समझाया नहीं जा सकता, आपके 24 घंटे के हर क्रियाकलाप में विज्ञान शामिल है। दोस्तों, आपको बता दूं तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड में स्थित सर्न प्रयोगशाला है, यह एक प्रकार का पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसके द्वारा तथ्यों की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। यकीन करता हूँ ये सारे फैक्ट, सारे तथ्य आपको पसंद आए होंगे जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।